दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो आगे आने वाले टाइम यानी कि 2023 में अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे हैं, यानी कि वो अकाउंटिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाने की प्लानिंग कर रही हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी स्पेशल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे कि आज के कंपटीशन को देखते हुए, आज के टाइम के टैक्सेशन और अकाउंटिंग की कंप्लायंस को देखते हुए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपका स्किल क्या होना चाहिए, और इसके अलावा क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपको किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले सीखना कंपलसरी है। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, हमारे पास जो पर्सनली रिक्वेस्ट आ रही है वो इसी टाइप की वीडियो की आ रही है भी हम आगे आने वाले टाइम में यानी कि 2023 में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंटेंट बनने की शुरुआत हम किस तरीके से करें। और इससे ज़्यादा कमेंट इस टाइप के आ रहे हैं कि हमारे पास 6 महीने का अकाउंटिंग कोर्स का डिप्लोमा है, 1 साल का हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने अकाउंट कोर्स किया हुआ है, लेकिन जॉब हमें नहीं मिल रही, हम जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं वहाँ पर हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो हम अब क्या करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो वो सारा कन्फ्यूज़न आज की इस वीडियो से दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर कंपटीशन टाइम को देखते हुए भी आपका क्वालिफिकेशन और स्किल कितना आपको इम्प्रूव रखना पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब मिलने के चांस होंगे। अदरवाइज आप अकाउंटिंग कोर्स कर लीजिएगा, लेकिन जॉब आपको मिलना बहुत ही मुश्किल का काम है। बस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखोगे सारी कहानी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर भी आपको इस चैनल से इसी टाइप के नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिले, वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक दे के जरूर जाना और उन दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना जो आगे आने वाले टाइम के अंदर अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे हैं। तो हम करते हैं वीडियो की शुरुआत पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों पॉइंट नंबर हम एक की बात करें तो मैं ये पॉइंट पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज आपको मैं स्पेशल बताऊँगा भी अगर आप अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे हो तो आपको कोई ना कोई अकाउंटिंग कोर्स किसी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान में रखना है भी जो इंस्टीट्यूट आप चूज कर रहे हो यानी कि जो संस्था आपने सेलेक्ट करी है भी मुझे इस इंस्टीट्यूट से अकाउंटिंग का कोर्स सीखना है, तो सबसे पहले आपको इस बात का पता लगाना है भी जिस टीचर से, जिस ट्यूटर से आप अकाउंटिंग कोर्स सीख रहे हो तो उनको खुद को नॉलेज अकाउंट्स के बारे में कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस वो खुद रखते हैं। अब ऐसा ना हो कि आपने इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छा सेलेक्ट कर लिया, फीस भी आपने अच्छी खासी पे कर दी, लेकिन नॉलेज देने वाला वो जो है स्टूडेंट जो टीचर हैं उनको खुद को अकाउंट्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं है, उनको केवल कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टेली सॉफ्टवेयर या बीजी सॉफ्टवेयर सिखाने का अनुभव है, वो भी किताब को देख के। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ऐसा टीचर सेलेक्ट करना है, ऐसा इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता हो, बिजनेस के रियल वाउचर्स की कहानी आपको समझाई जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए कि अकाउंटिंग को हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। उसके बाद बात आएगी भी आपको इसके मतलब प्रैक्टिकल अकाउंट के नॉलेज के साथ साथ आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज अच्छी तरीके से होना चाहिए, कि आप टेली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, बीजी सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, उस सॉफ्टवेयर का आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा प्रैक्टिकल तरीके से। उसके साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह की सख्त जरूरत है सीखने की, क्योंकि सारा काम हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सारा लेना पड़ता है अकाउंटेंट लोगों को। तो अब कहने का मतलब 3 बातें आपको पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपका जो ट्यूटर है, जो आपके टीचर्स हैं, उनको सबसे पहले आपको इस बात का पता लगाना है कि उनको खुद को अकाउंटिंग करने का प्रैक्टिकल नॉलेज कितने टाइम का, कितने टाइम का एक्सपीरियंस उनके पास है। दूसरी बात, वहाँ पर किस टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्या वो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है या पायरेटेड है या कोई पुराना वर्जन के साथ तो आप नहीं सीख रहे, ठीक है। और तीसरा भी वहाँ पर बिजनेस के रियल वर्कर के साथ आपको अकाउंटिंग की तैयारी करवाई जाए, और उसके बाद साथ के साथ आपको सभी टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग का स्किल आपके पास होना चाहिए,
सभी टाइप के बिजनेस का, मतलब यानी कि आपको ट्रेडिंग बिजनेस का भी पता होना चाहिए, ट्रेडिंग बिजनेस की कहानी क्या है, किस टाइप की अकाउंटिंग उनकी मेंटेन होती है, टैक्सेशन उसके जीएसटी की, इनकम टैक्स टीडीएस की रिटर्न उनकी किस तरीके से फाइल करी जाती है, उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का जो वर्क होता है, उसी तरीके से जो सर्विस और प्रोफेशनल वर्किंग है उन टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग को हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, तो पूरा आर टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग का स्किल आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो आपको अकाउंटिंग के साथ साथ आपको टैक्सेशन के साथ भी अपडेट रहना पड़ेगा, टैक्सेशन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अब ऐसा ना हो भी आपने टैली सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया हो, लेकिन अब टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग का वर्क किया कैसे जाता है वो नहीं पता, और उसके बाद में जो आपको रिपोर्टिंग प्रॉपर देखनी होती है कि वो TDS की है, TCS की है, GST की है, तो वो किस तरीके से देखनी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको टैक्सेशन के बारे में बिल्कुल अपडेट रहना पड़ेगा कि GST क्या चीज़ है, GST की रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, GST R1 क्या है, GST R3B क्या है, 9 क्या है, 9C क्या है, इन सब के बारे में अंदर आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकल तरीके के साथ। GST हमें किस कब जमा डिपॉजिट करवानी होती है, TDS हमें कब डिपॉजिट करवाना होता है, TCS हमें कब डिपॉजिट करवाना होता है, इनकी रिटर्न किस प्रकार से तैयार करी जाती है, ये आपके पास ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आज के टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि जो टाइम है आगे आज का और आगे आने वाले का काफ़ी टेक्निकल टाइम आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आपका देखो भी कम से कम जो कंपनी होती है वो मांगती है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के अंदर क्या मांगती है सबसे ज़्यादा प्रीफेयर जो करती है वो कॉमर्स के स्टूडेंट को करती है। तो आपने बहुत सारी देखा होगा जहाँ कंपनी की जो रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पर भी हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है, लेकिन मिनिमम योग्यता उनकी कॉमर्स होना चाहिए, इनकी BCom पास होना चाहिए, MCom पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं था लेकिन आपने अकाउंटिंग का स्किल बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, अकाउंटिंग का नॉलेज आपको बहुत अच्छा है, टैक्सेशन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते हो प्रैक्टिकल तरीके से, तो आपको कॉमर्स की अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये नहीं है भी आपके पास कॉमर्स स्टूडेंट है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब मिल जाएगी, कॉमर्स के स्टूडेंट को भी उतना ही एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा जितना कि एक आर्ट्स के स्टूडेंट को होना चाहिए। तो दोनों के लिए जब वो किसी कंपनी में अकाउंटिंग करने की शुरुआत करेंगे ना तो दोनों बिल्कुल नए सिरे के साथ शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के साथ वो शुरुआत करेंगे। तो कहने का मतलब आगे भी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। पहले का टाइम कुछ अलग था जहाँ पर क्या होता था, अगर आपने मान लीजिए कोई टेली सॉफ्टवेयर सीख लिया किसी इंस्टीट्यूट से तो आपने कोई जान पहचान से आपको जॉब मिल गई, वहाँ पर आपका काम चल गया। लेकिन आज का टाइम इतना है क्योंकि आपकी छोटी सी गलती कंपनी को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है, तो कोई भी कंपनी का मालिक ये रिस्क लेना नहीं चाहता कि आप कंपनी के साथ डाटा के साथ कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ी हो जिससे कि कंपनी को कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़े। तो इसलिए आपको हर टाइप का नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, और टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है भी कोई एक बार डाटा जो आ गया वो हमेशा के लिए रहना है, आप देख रहे हो भी GST के अंदर लगातार चेंजिंग हो रही है, हर मंथ कुछ ना कुछ नया अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, रूल के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आते रहते हैं, कुछ नए एक्ट ऐड होते रहते हैं, इनकम टैक्स में भी है, GST के अंदर भी है, तो आप उन सभी एक्ट के साथ सभी उन रूल के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप अपनी कंपनी को अच्छी तरीके से अकाउंटिंग है उनकी जो बना सकते हो, उनका अच्छी तरीके से कंपनी को आप ग्रो करवा सकते हो। क्योंकि अकाउंटेंट का रोल एक कंपनी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, कोई छोटा रोल नहीं होता, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है अकाउंटेंट पे, और कंपनी का मालिक चाहता भी ये जिम्मेवारी एक एक्सपीरियंस बंदा ही इसको संभाल सकता है। अब बात आएगी हम एक्सपीरियंस इसका लेंगे कैसे, मान लीजिए आपने किसी इंस्टीट्यूट से टैली सीख लिया लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर नहीं मिला, तो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप किसी अकाउंटेंट के अंडर में आप वर्क करो, या फिर CA के ऑफिस ज्वाइन करो, या फिर कोई टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट का कोई आप ऑफिस ज्वाइन करो जहाँ पर अकाउंटिंग का काम प्रैक्टिकल तरीके से किया जाता हो, तो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर भी आपको कुछ टाइम एक्स्ट्रा देना पड़े, क्योंकि अगर आप चाहते हो भी मैं केवल टेली सी के या केवल सर्टिफिकेट के भरोसे मैं अगर किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ तो बिल्कुल भी गलत है, आप वहाँ पर 100% रिजेक्ट होगे, क्योंकि जो रिजेक्ट होने का कारण यही हो रहा है, आपके पास टेली का नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। कंपनियाँ चाहती है भी हमें एक्सपीरियंस बनना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल आपको सीखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट से। पहले अलग था मैटर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले टैली आपने सीख लिया तो आप कोई ना कोई आपको अकाउंटेंट मिल जाता था, आपको काम सिखा देता था, लेकिन अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको पास में बैठ के आपको प्रॉपर नॉलेज दे सके।
तो ये नॉलेज आपको शुरुआत से ही सीखना पड़ेगा। ऐसा इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता हो, न कि सॉफ्टवेयर का ज्ञान दिया जाता हो। सॉफ्टवेयर का ज्ञान आपका बाद में काम आएगा, उससे पहले आपको प्रैक्टिकल अकाउंट्स का नॉलेज पता होना चाहिए भी अकाउंटिंग है क्या चीज़, अकाउंटिंग के मेथड क्या है, अकाउंटिंग के रूल क्या है, अकाउंटिंग को मेंटेन कैसे करी जाती है। तो ये सारा नॉलेज आपको टेली सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रही, उस सॉफ्टवेयर सीखने से पहले होना चाहिए। टेली सॉफ्टवेयर आपको जॉब नहीं दिला सकती, टेली सॉफ्टवेयर आपको अकाउंटेंट नहीं बना सकती। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करना, उन दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना भी जो अभी प्रेजेंट टाइम में कोई अकाउंटिंग का कोर्स जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है या ज्वाइन करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि आगे आने वाले टाइम के अंदर एक अकाउंटेंट का फ्यूचर किस टाइप का रहने वाला है, ताकि वो आज अगर उसकी तैयारी करेगा तब जाके उसका आगे आने वाला फ्यूचर है जो सेफ रहेगा। अगर तब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी।